गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन येस आई होप योअर वेल लेट्स स्टार्ट योर जी के योर कंप्यूटर सेक्शन टर्म टू बुक लेसन नंबर टू लेट्स लेट्स ओपन इट दिस इज योर लेसन सेकेंड नेम इज़ ऑल अबाउट द कीबोर्ड हम कीबोर्ड के फंक्शंस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे अब क्या कंप्यूटर आपसे क्या कह रहे हैं हेलो फ्रेंड्स नाउ आई सेल टेल यू अबाउट वन माई पार्ट द कीबोर्ड्स अब हम एक पार्ट है कंप्यूटर का जो कि की है उसके बारे में वो आपको बताएंगे ठीक है अ की कीबोर्ड हैज़ जनरली वन हंड्रेड एंड वन टू वन हंड्रेड एंड फोर कीज इसमें जो कीज़ हैं वो वन हंड्रेड एंड वन और वन हंड्रेड एंड फोर के आसपास है द कीज़ इज़ यूज टू रिटर्न ऑन द कंप्यूटर ये इसका जो कीज़ है इनका यूज़ हम कंप्यूटर में रिटर्न करने के लिए करते हैं इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द कंप्यूटर कंप्यूटर का यू कैन टाइप टेक्स विद द हेल्प ऑफ द की ये आपकी आपका कंप्यूटर में टैक्स टाइप करने के लिए हेल्प करते हैं ईच कीज़ हैज़ इट्स नो स्पेसिफिक फंक्शन इसमें कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस भी होते हैं आ कम्प्यू आ कीबोर्ड हैज़ सम कैरेक्टर्स इन इन गार्ड और प्रिंटेड ऑन द कीबोर्ड। बोर्ड यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है है ना की, पर। ईच प्रेस ऑफ अ की प्रोड्यूस एक्शन ऑफ द कंप्यूटर आप कोई भी की को प्रेस करोगे ना तो आपका कंप्यूटर रिएक्शन करने लगेगा कमांड कमांड कमांड्स दैट दैट कैन बी सी ऑन द मोनिटर आपको कमांड कहाँ दिखाई देगी मॉनिटर के ऊपर टू दैक्स्ट पेज वी कैन डिवाइडेड द कीबोर्ड इंटू द फोर ग्रुप्स की बोर्ड को जो है वो फोर ग्रुप्स में बांटा हुआ है keys, ये जो keys होती हैं वो alphabetic होती हैं ये न्यूमेरिकल की जो ये वाला फंक्शन है वो न्यूमेरिकल की है स्पेशल कीज़ जो इसके ऊपर यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स बने होते हैं वो स्पेशल कीज़ होती हैं एंड यहाँ पे एफ टू एफ वन एफ ट्वेल्व तक जो मेंशन होते हैं वो फंक्शन कीज़ होती हैं तो अब हम पढ़ेंगे अल्फाबेट कीज़ के बारे में अल्फाबेट कीज़ द अल्फा द की ऑन द कंप्यूटर आर नॉट इन अल्फाबैट ऑर्डरबैटिकल ऑर्डर ये ये जो कीज़ हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होती हैं दे आर आर ट्वेंटी सिक्स लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स इसमें भी ट्वेंटी सिक्स लेटर होते हैं अल्फाबेट्स के द कीबोर्ड इज द कीबोर्ड ऑल्सो हैज़ द सेम नंबर ऑफ़ द अल्फाबेट कीज़ फ्रॉम ए टू जेड इसमें सारे अल्फाबेट्स होते हैं ए टू जेड तक के सभी ऑन इट इसके ऊपर की हैज़ की हेल्प अस टू द टाइप वर्ड्स और सेंटेंस ये हमें जो कीज़ हैं वो हमारे वर्ड को टाइप करने के लिए और सेंटेंस को टाइप करने के लिए यूज़ होती है अब नेक्स्ट है ये न्यूमेरिकल की न्यूमेरिकल कीज़ जो होती हैं जिसे नंबर्स जो होते हैं जीरो से लेकर नाइन तक के जो नंबर होते हैं उन्हें हम है, न्यूमेरिक्स कहते हैं तो न्यूमेरिकल कीज़ हैं ये आर कीबोर्ड है कीबोर्ड हैज़ टेन न्यूमेरिकल कीज़ मेक फ्रॉम ज़ीरो टू नाइन द न्यूमेरिकल कीज़ आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द अल्फाबैट कीज़ एंड राइट ऑन द साइड ये न्यूमेरिकल कीज़ कहाँ होती है सबसे पहले इस अल्फ़ाबैट्स के ऊपर एक और रो होती है यहाँ पर जैसे ये बनी हुई है यहाँ पर न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं और राइट right साइड में कैलकुलेटर uh, जैसे सारे फीचर्स दिए होते हैं वो भी न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं नेक्स्ट इज़ फंक्शन की देयर आर द ट्वेल्व फंक्शन कीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द एफ वन और एफ़ ट्वेल्व विच आर द प्लेस्ड हॉरिजेंटल ऑन द टॉप मोस्ट रो ऑफ द कीबोर्ड जस्ट अबाउट द न्यूमेरिकल कीज़ जो सबसे ऊपर जो कीज़ होती हैं ठीक है वो जिसमें एफ़ वन से लेके एफ ट्वेल्व तक लिखा होता है वो कीज़ जो होती हैं वो फंक्शन कीज़ होती हैं जो सबसे ऊपर अल्फ़ाबेट के ऊपर भी सबसे ऊपर होती हैं दे आर नो एज फंक्शन कीज़ बिकॉज दे परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस तो ये जो स्पेशल कीज इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करती है ये आगे हाँ आपका स्पेशल की स्पेशल की क्या होता है देर आर सम्पेश सम्पेशल कीज़ ऑन द कीबोर्ड विच परफॉर्म स्पेशल वर्क ये आपके स्पेशल वर्क के लिए होती हैं सम ऑफ द स्पेशली स्पेसिकली कीज़ आर डिस्कस अबो इसमें कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं जैसे स्पेस बार एंटर बार और कैप्स लॉक कैप्स लॉक जो होता है एंटर बार जो होता है एक लॉन्ग सी जो बटन दिख रही है आपको रेक्टेंगल शेप में ब्लैक और वाइट कलर की ये जो है वो आपको स्पेस है इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो एक या टू स्पेस या वन फिंगर स्पेस या ऐसे स्पेस आगे की तरफ बढ़ता है एंटर की एंटर की जो होती है देर आर टू एंटर कीज इसमें दो एंटर की होती हैं ऑन द कम्प्यू की बोर्ड आपके की बोर्ड पर टू इंटर कीज होती हैं जहाँ पर ऐसे इंटर लिखा होता है दे आर द यूज टू मूव आ करसर ऑन द नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन पर आपको करसर लाने के लिए हेल्प करती है. Enter हैं एंट्र की जावाते ही अब नेक्स्ट लाइन में आपका करसर आ जाता है और कैप्स लॉक की जो होती है दिस की यूज टाइप दो कैपिटल लेटर ओनली इफ द की इज़ ऑन मोड दे आर आर ओनली वन कैप्स लॉक की दे ऑन द की बोर्ड अगर आप कैप्सॉक बटन जो है ऐसा कैप्स लॉक बटन है उसे अगर आप प्रेस करते हो तो जितने भी आ, आप अल्फाबेट्स लिखेंगे वो सब कैपिटल फॉर्म में लिखाते हैं और अगर आपको वन टाइम कैपिटल यूज़ करना है तो आप शिफ्ट के साथ से यूज़ कर सकते हो और राइट right, अब नेक्स्ट ऑप नेक्स्ट है आपका एरो की ये आपको अप डाउन राइट और लेफ्ट चारों तरफ मूव करने के लिए यूज़ होती है आपके कर्सर की तरह वर्क करती है आपके कर्सर को आगे लेफ्ट तरफ या राइट तरफ शिफ्ट करने के काम आती है बिग स्पेस बैक स्पेस मतलब दिस की इज इज़ प्लेस्ड ऑन द राइट साइड टू अल्फाबेट्स कीज़ मेक आर द विद विद एन एरो साइन दिस कीज इज़ यूज टू इरेज़ द अल्फाबेट्स अगर आप जो भी अल्फाबेट्स लिखे हैं और उसे मिटाना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड मैन मैन मैनिया द मोस्ट कॉमन की यूज की बोर्ड इज़ ऑल्सो नो द्वाटरली कीबोर्ड इज़ द फर्स्ट सिक्स अल्फ़ैट ऑन द कीबोर्ड इज़ क्वरिटी क्वेरिटी बोलते हैं उन्हें क्विक्रिकैप हम करेंगे कीबोर्ड आर स्मॉल बटन कीबोर्ड्स में बहुत सारे स्मॉल्स बटन होती हैं दे आर नो एज अ की उन्हें हम की कहते हैं दे आर आर जनरली जनरली वन टू वन वन ज़ीरो वन और वन जीरो फोर कीज इस कीबोर्ड में होती हैं दे आर आर फोर मैन ग्रुप्स इसमें फ़ोर मैन ग्रुप्स होते हैं चार भाग में बटा होता है कीबोर्ड द कीबोर्ड इज़ अ इनपुट डिवाइस कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है थैंक यू गाइज थैंक यू स्टूडेंट्स आपका लेसन कम्प्लीट हो गया इसके बाद एक्सरसाइजेज़ है जो आपको सॉफ्ट आपके व्हाट्सएप आपको आंसर मिल जाएगा